दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तोशी और तिरकुला। ये तोशी की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। तोशी और तिरकुला। पाताल में सर्प देश और सर्प देश का सम्राट इच्छाधारी सर्प तोशी। आज हमारे दरबार में सर्प देश की सभी सर्प जातियों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। सर्प देश की रानी अप्सरा, हम जानना चाहते हैं क्या सर्प देश में सभी सर्प जातियां सुखी हैं? तोसी, अप्सरा का पुत्र, युवराज टन्नी, यदि किसी को मेरी सेवाओं की आवश्यकता पड़े तो मैं हर समय सिर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं। सभी सर्प मानव रूप धारण कर सकते थे। हे राजन, चारों तरफ खुशहाली है, शांति है और सीमाएं सुरक्षित हैं। तभी एक सर्प जाति का समूह दरबार में उपस्थित हुआ। दुआई हो महाराज की जय हो, हमारा संकट दूर करें। क्या बात है, क्या तुम्हारी बस्ती में खुशहाली नहीं है? कोई विपत्ति? महाराज, हम सिमरन कबीले के वनवासी हैं। हम अजगरा जाति के हैं और वनों में रहते हैं। हमारे कबीले कबीले में एक औरत ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके तीन सिरे छह हाथ हैं। तीन से छह हाथ? हाँ महाराज, पैदा होते ही उस बालक ने बोलना शुरू कर दिया और अपना नाम भी खुद बताया। उसका नाम त्रिकुला है। त्रिकुला? उसका शरीर भी तेजी से बढ़ रहा है, परंतु उसे तुम्हें कष्ट क्या है? एक मुंह से भोजन खाता है, दूसरे से दूध पीता है और तीसरे से अंगारे खाता है। उसने कबीले का सारा राशन पानी हजम कर डाला है। सबके घरों में घुस घुस कर खाता है और अगर उसे कोई रोकता है तो उसे मार डालता है। अब तक 10 नर खा चुका है। क्या उसे उसके माँ बाप नहीं रोकते? सबसे पहले तो वह माँ बाप को ही मारकर खा गया। फिर कुला को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया जाए। हम उस हत्यारे को दंड देंगे। सेनापति, इन लोगों के कबीले में जाकर तिरकुला को गिरफ्तार करके बंदी बना लो। जंगल के कबीले में, नाम मेरा है तिरकुला। जय जयकार करो सब मेरी, भरपेट खिलाओ सब मुझको, नहीं तो मार मार कर खा जाऊंगा सबको। कबीले के लोग तिरकुला के सामने राशन रख देते, दूध रख देते। भूखा हूं, भूखा खा पीकर बलवान बनूंगा। अभी तो बच्चा हूं, अकल का कच्चा हूं। बड़ा होके राजा बनूंगा, बड़े बड़ों के दांत खट्टे कर दूंगा। तिरकुला खाता रहता, गड़प गड़प सड़प। आज मैं केले अंगारे खाऊंगा। चढ़ चढ़ और लाओ, भूख लगी है, लाओ। सबके घर खाली हो गए। तिरकुला, हमारे पास अब कुछ नहीं है, दूध की एक बूंद नहीं बची। तुम चाहो तो हमारे घरों में घुसकर देख सकते हो, जो मिल जाए उसे खा लो, हम तो भूखे रह लेंगे। तुम में से एक दो को खाऊंगा तभी पेट भरेगा। तिरकुला ने दो को पकड़ लिया। हमें मत खाओ, बचाओ। तिरकुला दो को खा गया। क्रच क्रच सड़प। अब डकार लेकर सो जाता हूं। तिरकुला सो गया। खर खर। सेनापति सेना लेकर आ पहुंचा। यह रहा तिरकुला, आज भी दो को खा गया। गिरफ्तार कर लो इसे। सैनिक हरकत में आ गए। ए उठ, तेरे को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके क्या करोगे भाई? राजा के दरबार में पेश करके सजा दी जाएगी। भरपेट खाना तो मिलेगा ना वहां? हाँ चलो। तिरकुला गिरफ्तार होकर चल पड़ा। चलो, हमको तो खा पी कर मस्त रहने से मतलब है, चाहे जान ले चलो। बल्ला टली। अब राजा इसे मृत्युदंड दे देंगे। राक्षस था राक्षस। तिरकुला को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाला गया। फुस, खाना, दूध, अंगारे। बंदी गृह में तिरकुला को बंदियों का भोजन मिला। सिर्फ इतना खाना? कुल एक कटोरा दूध, अंगारे और लाओ बे सुअर के बच्चों। तिरकुला ने क्रोध में सब उछाल कर फेंक दिया। खन खन। बंदी गृह के संतरी अंदर आ गए। क्या बे, क्यों दम मचाता है? सुअर के बच्चों, ये कोई खाना है? 10 बाल्टी दूध लेकर आओ और खाने में 100 चपाती। कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही पड़ा रहे। नहीं मिलेगा, तुम्हारी तैसी की तैसी। तिरकुला ने संतरियों को पकड़ लिया। अभी तुम सबको खाता हूं। क्रच क्रच। दूध की जगह खून पीऊंगा। सड़क क्रच। बंदी गृह के संतरियों ने तिरकुला पर हमला कर दिया। सड़क ठाक।
तेरी गुलाब को भी क्रोध आ गया, थपाक तड़ाक भीषम थोक मार मार के सुखा दूंगा, सुखा सुखा के खा जाऊंगा। खबर सेनापति तक पहुंची, क्या संतरी मारकर खा गया, उसे काल कोठी में डाल दो, मगर अब कोई उसके सामने जाने को तैयार नहीं, वह मार डालेगा। सेनापति बंदी ग्रह पहुंचा, क्या हो रहा है यहाँ, वही हो रहा जो मंजूर है खुदा होता है। तूने कहा था भरपेट खाना मिलेगा, और यह मुर्गे के दाने के बराबर खाना तो ही तू ही सबको खा जाऊंगा। तूने कहा था भरपेट खाना मिलेगा, और यह मुर्गे के दाने बराबर खाना है, दो नहीं तो सबको खा जाऊंगा। इसे बेला फुसला कर काल कोठी में डालना होगा, इसे उस कोठी में पहुंचा दो जहां खाने का जखीरा है। काल कोठी में दूध की नदी बहती है। सैनिक सेनापति का संकेत समझकर त्रिकुला को काल कोठी में ले गए। खाने का भंडार, दूध की नदी, अंगारे भी भेज देना हाजमे के लिए। त्रिकुला वैसी कोठी में था जिसका दरवाजा भी नजर नहीं आता था, है चारों तरफ से बंद। अबे कोई है, मैं भूखा मर रहा हूं, मर गया रे भूखा पैसा। एक दिन बीत गया, इसका मतलब है साजिश, मुझे भूखा पैसा मारने की साजिश, चलो मेरे नाखूनों बाहर आ जाओ। हा हा हा, इन नाखूनों से खोद डालूंगा बंद दीवारे। त्रिकुला को खाना नहीं मिला था। खरड़ खरड़, भूख भी लगी है, इन दीवारों को चाट चाट कर खाता हूं। त्रिकुला की जीभ लंबी होगी, और लंबी हो जा मेरी जीभ। लुसड़ खड़ खड़, त्रिकुला ने नाखून और जीभ से चाट चाट कर दीवार साफ कर दी। अब बाहर चलता हूं। काल कोठी से बाहर आते, पकड़ो, त्रिकुला फरार हो रहा है। सक सक साए, सैनिकों के तीर वाले त्रिकुला पर बरस पड़े। खप खप, त्रिकुला ने दीवार पर चढ़कर छलांग लगा दी। मर गया रे, देख लूंगा सबको। दीवार के साथ बहती नदी थी। छपाक, दरबार में जख्मी हालत में त्रिकुला ने नदी में छलांग लगा दी। बचने की कोई उम्मीद नहीं, अर्थात राजसी दंड से पहले उसे मौत मिल गई। त्रिकुला नदी में बेहोश हालत में बहता रहा। एक तट पर, ऐ मुझे पैदा करने वाले, मुझे शक्ति दे, मुझे बचा ले। तभी एक दानव प्रकट हुआ। मेरे बच्चे त्रिकुला, किसने तेरा यह हाल बनाया? दानव ने तीर बाले निकालकर त्रिकुला को ठीक कर दिया। अरे नादान, तू कैसे जख्मी हो गया? तुम कौन हो? तू मेरा पुत्र, मैं दानव संघासा हूं। जिस अजगरनी से तू पैदा हुआ था वह मेरी देवदासी थी। मेरी गुफा में चल, तुझे सब बताता हूं। दानव त्रिकुला को एक गुफा में ले गया। मेरे पास अभी तक मेरा अध्याज्ञान है, इसलिए तू तू जख्मी हो गया, वरना तू बहुत बड़ा योद्धा है। सुन, वह सामने जो मूर्ति है मेरी है, तेरी माँ इसी की पूजा करती थी, उसकी तपस्या से मुझे प्रकट होना पड़ा। अधूरे ज्ञान के कारण सिर्फ तुझे अपना नाम और खाने पीने पर ही ध्यान रहा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पेटू था। सुन त्रिकुला, तेरे तीन सिर तीन जिस्म है जो तीन गुणों से संपन्न है। अब मैं तुझे पूरा ज्ञान दूंगा, तुझे वही योद्धा खत्म कर सकता है जो मेरी मूर्ति के तीन टुकड़े इस तरह करेगा कि कोई भी टुकड़ा जमीन पर न गिरे। इसी तरह तेरे तीनों सिर कटकर जमीन पर न गिरे, तभी तेरी मौत होगी। तेरा पहला सिर है त्रिशूल, जो समस्त शस्त्रों का ज्ञाता है, मैं तुझे शस्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। तेरे दूसरे सिर का नाम है कुबेर, जो धन और मंत्रों का स्वामी है, तो जब चाहे जितना चाहे धन प्राप्त कर सकता है। तेरा तीसरा सिर लावा है, जो आग बरसाकर किसी भी बस्ती को लावा बना सकता है। इस तरह तेरे तीनों सिरों के पहले अक्षरों से तेरा नाम त्रिकुला बना है। मैं दानव संघासा, अब तुझे पूरा ज्ञानवान करके तेरे शरीर को समूचा विकास और आकार दूंगा। तेरे यहां से जाने के बाद गुफा का द्वार बंद हो जाएगा, ताकि कोई इसमें कदम न रख सके, केवल तू गुफा में आ पाएगा। कुछ दिन बाद, अब मैंने तुझे अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया, अब मैं खाली हूं। मैं मूर्ति में प्रवेश करके हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो जाऊंगा। दानव संघासा पत्थर की मूर्ति में समा गया। पिताश्री, मैं सबसे पहला उनका संहार करूंगा
जिन्होंने मुझे बंदी बनाकर घायल किया था, त्रिकुला गुफा से बाहर आ गया। गुफा द्वार पर एक चट्टान आकर गिरी, गरड़ गरड़। तलवार, गदा, भाला, तीर, कमान, चक्कर इत्यादि शस्त्रों से लैस त्रिकुला चल पड़ा। देखता हूं अब मुझे कैसे बंदी बनाते हैं, अपनी भूख प्यास अब उन सैनिकों के मांस और खून से बुझाऊंगा। सर्प देश की राजधानी में जा पहुंचा त्रिकुला। हा, एक एक को खा जाऊंगा, खून पीऊंगा। आ गया त्रिकुला। त्रिकुला ने एक बस्ती में तबाही मचा दी। सक सक साए सर, जो हाथ आ गया उसे ही खा गया। चबड़ चबड़। खबर पाते सैनिकों ने घेर लिया। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। खन खन सक, तड़ाक तड़ाक सर। तिरकुला ने लाशों के ढेर लगा दिए। हा, तिरकुला मेरा नाम है, सबको मार डालूंगा। समाचार पाते ही तो भी दयाल उठा। क्या, उसका आकार भी विशाल हो गया है और सारे शस्त्र चला रहा है। मुझे उसे दो दो हाथ करने के लिए युद्ध में भेजा जाए पिताश्री। नहीं वत्स, अवश्य वह कोई दान हो सकती है, तुम इतने शस्त्रों का वार नहीं काट सकते, मुझे जाना होगा। तिरकुला तबाही मचाता महल की तरफ बढ़ा जा रहा था। तो सी आकर आ जाए, मैं उसे तोता बनाकर पिंजरे में बंद कर डालूंगा। बढ़ रहा था तिरकुला, फुस, अचानक सक सक। तिरकुला तोसी के बाणों के घेरे में फंस गया। चारों तरफ बाण ही बाण, आगे कुछ नजर नहीं आता। ओह, बाणों का पिंजरा बन गया। सक सक, ऐसी की तैसी, अभी लावा का देखो चमत्कार। फू, लावा ने सारे तीर जला डाले। सड़ सड़, अब त्रिकुला तोसी के सामने था। कौन है तू, अदब से बात करो, मैं यहाँ का सम्राट तोसी हूँ। अदब तो मेरे बाप ने सिखा ही नहीं, संभाल मेरा आक्रमण। सक सक सर सक, तड़ा खन खन। त्रिकुला और तोसी में घमासान युद्ध छिड़ गया। टनाक टनाक, चुंबक ध्वज बाहर निकलो और इसके सारे शस्त्रों को अपने चुंबकीय शक्ति से चिपका लो। तो इच्छाधारियों में से एक चुंबक ध्वज बाहर निकल आया। इसके शस्त्र वापस लौट जाते हैं, वापस नहीं लौटने चाहिए। त्रिकुला ने त्रिशूल फेंका, श्यू, चुंबक ध्वज ने छलांग मारकर उसे लपक लिया। त्रिशूल चिपक गया है, त्रिशूल वापस नहीं लौटा। त्रिकुला ने भाला मारा, सड़ा, चुंबक ध्वज ने भाला भी चिपका लिया। मेरे शरीर के अंदर छिपे महाबली इच्छाधारियों में हर एक के पास एक विद्या है। अब देखा दृश्य ध्वज का कमाल। तोसी के अंदर से एक और मारथी बाहर आया, अदृश्य ध्वज। यह किसी और नजर नहीं आता, अदृश्य ध्वज, इसे जरा तांडव तांडव कराओ। अदृश्य ध्वज ने त्रिकुला की ठुकाई शुरू कर दी। ठग तड़ाव भ्यूम, यह कौन मारा मारी कर रहा है, सामने आवे। त्रिकुला ने गदा घुमाई, सड़ाओ, गदा भी चुंबक ध्वज ने चिपका ली। ठप, चक्कर फेंका, स्पार्क, चक्कर भी चिपक गया। तलवार का भी यही असर हुआ। अब तो मेरे पास तीर कमानी बाकी रह गए हैं। तोसी ने त्रिकुला के सारे तीर हवा में काट डाले। सक 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 सक, अदृश्य ध्वज की मार का त्रिकुला पर विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था। ठोक ठोक, मेरे सारे शस्त्र बेकार हो रहे हैं, मैं धन से और बनवा डालूंगा। लावा एक्शन में आ गया। फिलहाल फिलहाल तुम दोनों भाई मेरा कमाल देखो। सोल्डर सोल्डर, लावा ने चारों तरफ आग लगा दी। अदृश्य ध्वज, चुंबक ध्वज, अंदर, मेरे अंदर आ जाओ। आग के लपटों से बचने के लिए तोसी ने दोनों को अपने शरीर में बुला लिया। सड़ सड़, तोसी स्वयं आग से गिर गया था। बस्तियों में लावा बहा दूंगा, सर्प देश में लावा बहने लगा। सड़ सड़, चारों तरफ आग ही आग थी। तोसी पक्षी बनकर आकाश में उड़ गया। मेरा देश जल रहा है, चारों तरफ लावा बहने लगा है। एक सुरक्षित जगह तोसी अपने रूप में प्रकट हुआ। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग।
तोसी ने मेघ वर्षक बाण आकाश में छोड़ा छोड़ा। मेघ वर्षक ब्रह्मास्त्र ने मूसलाधार बरसात कर दी। तब तब जब तब मूसलाधार बरसात से आग बुझने लगी। सड़ सड़ लावा परेशान, इन बादलों को भी अभी बरसना था। लावा ने सुझाव दिया, अपने हथियार उठा लो फटाफट। त्रिकुला ने जमीन पर पड़े अपने शस्त्र उठा लिए। इससे पहले कि त्रिकुला को नया कारनामा दिखाए, मुझे विशाल अजगर बनकर इसे उसे लपेट लेना चाहिए। तो से एक बार फिर पक्षी बनकर त्रिकुला के समीप पहुंचा। अब यह फिर से युद्ध की तैयारी में है। तो से विशाल अजगर बन गया। सड़ाओ, अब नहीं छोड़ूंगा। त्रिकुला तो था एक खानदानी अजगर, दोनों गुत्थम गुत्था। फुस, पकड़ दवस, बाहर निकलकर इसे पकड़ लो। तुम्हारी पकड़ में आने के बाद कोई छूट नहीं सकता। तोसी का पकड़ दवस बाहर आया, वह भी अजगर की नस्ल का था। अब देखता हूं कैसे छूटता है। पकड़ दवस ने त्रिकुला को लपेट लिया। मेरे को वरदान है, जिसे पकड़ लिया वह पकड़ा गया, इसीलिए मुझे कहते हैं पकड़ दवस। सैनिकों, त्रिकुला को जंजीरों से जकड़कर बंदी बना लो। त्रिकुला को बंदी बना लिया गया। मेरे बाप ने कुछ मंत्र सिखाए थे जो कुबेर जानता है। कुबेर, क्या तुम मंत्र भूल गया? याद है भैया, वक्त पर चोट करूंगा। बरसात थम जाए तो लगा दो फिर से आग। इसे गहरे तालाब के तल में बांध दो ताकि आग न लगा सके। त्रिकुला को गहरे तालाब के तल में डालकर बांध दिया गया। अब मैं आग से कुछ नहीं चला सकता, पानी से बाहर निकलने की तरकीब सोचो। त्रिकुला चिंतित था। भूख लग रही है यारो, अब क्या करें? मंत्र सोचने दो, अब तो कुबेर ही कुछ कर सकता है। हाँ, याद आ गया, पानी को भाप बनाकर उड़ाने का मंत्र याद आ गया। दूसरा मंत्र, बंधन काटने का मंत्र। आह, तीसरा मंत्र भी याद आ गया, हीरे जवाहरात के बल पर बगावत करवाने का मंत्र। तो देर किस बात की, रात हो जाने दो भाइयों, ताकि हमें कोई देख न सके। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और इसकी अगली कॉमिक्स है बगावत के शोले। तो यह कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, बगावत के शोले में।